हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे सिंपल आटे से मैदा कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, बने रहिए मेरी वीडियो पर। देखिए हमने कैसे सिंपल आटे से मैदे को बनाया है। तो मैदा बनाने के लिए हमने लिया है सिंपल आटा, और ये बनाना बहुत ही ईजी है। ये मैंने 2 kg सिंपल आटा लिया है। ये थोड़ा सा मोटा है, देखो। कोई भी आटा आपके घर में, तो उसके लिए हम लेंगे एक बड़ा बर्तन। और ये मैंने लिया है कॉटन का एक दुपट्टा। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो कॉटन का जो आपके पास हो। तो इस बर्तन पर हम इस दुपट्टे को टाइट बांध देंगे। इसको पलट कर नीचे की साइड हम बांध देंगे, जिससे कि दुपट्टा इधर उधर सरकेगा नहीं और टाइट रहेगा इस पर बिल्कुल। हम अच्छे से पकड़ कर इस पर नोट लगा देंगे अच्छे से, चारों कोनों को पकड़ कर अच्छे से इसे बांध देंगे। कई बार हमारे पास क्या होता है कि हम पूड़ी या फिर मट्ठी वगैरह कुछ बनाने लगते हैं और मैदा हमारे पास नहीं होती, और हम बाहर से भी नहीं ला सकते। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास रोटी बनाने वाला सिंपल आटा होता है, उससे हम मैदा बना सकते हैं। और अपनी कोई भी रेसिपी, हम जो भी हमें बनाना है अपनी बना सकते हैं। तो ये मैंने 1 कटोरी आटा लिया है। देखो दुपट्टा मैंने बिल्कुल टाइट बांधा है, ताकि वो इधर उधर ना हो जाए, खुल ना जाए। इसे कटोरी से हम ऐसे ही घुमाते रहेंगे, और जो हमारी मैदा वो नीचे निकल जाएगी बर्तन में, और जो आटा है मोटे वाला ये ऊपर रह जाएगा। कितना आसान तरीका, मैं इसे हाथ से बनाना बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा। देखो इसे राउंड राउंड ऐसे ही घुमाते रहेंगे। किसी भी साइड से हम कटोरी से घुमा सकते हैं, और जरूरी नहीं हम कटोरी लेंगे, आप बड़ा चम्मच भी ले सकते हो, उससे भी घुमा सकते हैं, जिससे आपको आसान लगे। देखो मैंने ये घुमा दिया है, और आटा हमने 1 कटोरी लिया था। कितना कम आटा मेरे बचा है, देखो। ये आधी कटोरी भी नहीं है, आधे से ज़्यादा मैदा निकल जाती है। बहुत कम ऊपर मोटा जो आटा होता है वो बचता है। ये देखो कितना थोड़ा सा आटा है, इसे भी हम थोड़ा सा और घुमाएंगे तो ये और निकल जाएगा। अब ये जो थोड़ा सा मोटे ऊपर का आटा जो बचा है, इसे हम अलग रख लेंगे, और इसका हम हलवा बना सकते हैं, या फिर रोटी बनाने में भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हमने, देखो अब हाथ से बनाना बताया। अगर आपको कटोरी से नहीं अच्छा लगता, नहीं बना सकते, तो हम हाथ से बना सकते हैं। हाथ से देखो कितनी जल्दी जल्दी ये निकल जाता है नीचे। कटोरी से घुमाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और हाथ से हम देखो जल्दी जल्दी घुमा सकते हैं, और ये जल्दी ही मैदा नीचे निकल जाएगा, और जो मोटा आटा है वो हमारा ऊपर रह जाएगा। तो है ना कितना आसान तरीका। देखो ये जो ऊपर बचा है, मोटा मोटा आटा बच गया है, हम इसे एक साइड रख लेंगे। और 2 किलो आटे में से हमारी 1 किलो से ज़्यादा ही मैदा निकल गई। तो ऐसे ही हम और मैदा निकाल के दिखाते हैं आपको। देखो 1 कटोरी आटा और डालेंगे, और मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया। जितना टाइम मुझे आटा निकालने में लगा था, इतना ही मैंने आपको पूरा टाइम दिखाया है। और ये देखो जो मोटा मोटा बचता है, इसका हम अगर हलवा बनाएंगे या दलिया बना सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा बनता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी मैदा निकाली है, देखो उस आटे में से। अब जो ये नोट हमने लगाई थी, इसे खोल लेंगे आराम से, थोड़ा सा तिरछा करके, बिल्कुल नहीं पलटना कभी गई से पूरी मैदा ही बिखर जाए। तो थोड़ा सा हमने तिरछा किया, और इसे जो हमने नोट को लगाया था उसे खोल लेंगे। तो देखा आपने कितने ईजी तरीके से मैंने मैदा निकाल दी है घर में। तो आप भी ऐसे ही अपने मैदा को घर में बना सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम नहीं है बाहर से लाने का, या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार नहीं ला पाते हम बाहर से, तो देखो कितनी बारीक मैदा निकली है। बिल्कुल जो ऐसे हम बाहर से लाते हैं, ऐसी मैदा घर में निकल गई है। इसकी हम बनाएंगे पूरी या मट्टी, जो भी हमें बनाना है। तो गाइस, आपको आज की मेरी जो वीडियो है वो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कमेंट करके बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है।